खेल पंचायत की खंडपीठ ने विनेश फोगाट की रजत पदक देने की अपील बुधवार को खारिज कर दी। इससे विनेश और फोगाट परिवार समेत सभी देशवासियों को धक्का लगा है, क्योंकि अगर विनेश के हक में फैसला आता तो देश को एक और रजत पदक मिलता। विनेश के साथ द्रोणाचार्य अवार्डी पहलवान महावीर फोगाट का 24 साल पुराना ओलंपिक पदक का सपना भी साकार होते होते रह गया। विनेश प्रकरण में खेल पंचायत खंडपीठ का फैसला आने का फोगाट परिवार और देशवासी को पिछले 6 दिनों से इंतजार था। हालांकि मंगलवार को सुनवाई कर खंडपीठ ने 16 अगस्त को फैसला सुनाने की घोषणा की थी, वहीं बुधवार को ही खंडपीठ ने विनेश की रजत पदक की अपील खारिज कर दी। ये विनेश के लिए बड़ा धक्का है, क्योंकि वो कुश्ती छोड़ने का ऐलान भी कर चुकी है। देश को ओलंपिक पदक जिताने का फोगाट परिवार का सपना भी अपील खारिज होने से धरा रह गया। याचिका खारिज होने से महावीर समेत विनेश की मां प्रेमलता और अन्य परिजन दुखी हैं। महावीर का परिवार पिछले करीब 30 सालों से कुश्ती में है। पहले वो स्वयं कुश्ती लड़ते थे, तो वर्ष 2000 में बेटी गीता, बबीता, संगीता और रितु समेत भतीजी विनेश और प्रियंका फोगाट को उन्होंने अखाड़े में उतार दिया। महावीर का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक लाने का सपना तो बेटी और भतीजी विनेश ने पूरा कर दिया, जबकि ओलंपिक पदक का सपना भी बरकरार है। आप सुनिए महावीर फोगाट ने क्या कुछ कहा। देखिए, हमें पूरी आस उम्मीद थी जो फैसला हमारे हक में आएगा, लेकिन जो CAS ने जो फैसला कर दिया उसके आगे उससे ऊपर तो कोई गुंजाइश नहीं रही। हमारा ये है भी जो विनेश आएगी 17 तारीख को आएगी 10 बजे एयरपोर्ट पर, हम जो गोल्ड मेडल का स्वागत होता है वैसे स्वागत करेंगे सभी, और जो आगे 2028 के लिए इसको जो समझाएंगे परिवार सब मिल चुके सभी, और हमारी कोशिश होगी 2028 में भी इसको ओलंपिक के लिए तैयार करें। और इसके बाद में जो संगीता है जो सबसे छोटी है गीता से, वो भी जो उसको तैयार करेंगे वो भी लग गई है, और रितु फोगाट है जो वो भी जो 2028 के लिए उसको भी जो हम तैयार करेंगे, तीनों चारों जो फिर दोबारा हटकर जो दोबारा फिर 2028 के लिए लगाएंगे। खेल पंचायत का निर्णय पक्ष में आने से ये सपना पूरा होने की उम्मीद थी, जो बुधवार शाम धूमिल हो गई। इससे जहां देश को पदक का नुकसान हुआ, तो वही विनेश का सपना पूरा होते होते रह गया। बलाली के सरपंच प्रतिनिधि बिंद्राज ने बताया कि फैसला चाहे जो भी आया हो, गांव की बेटी विनेश को पदक दुर्भाग्यवश नहीं मिल पाया। ग्रामीणों को विनेश के बलाली गाँव में आने का इंतजार है। ग्रामीण चैंपियन अंदाज में बेटी का स्वागत करेंगे। विनेश के गाँव आने के बारे में अभी परिजनों से बात नहीं हो पाई है। फोगाट परिवार को अगर देश को ओलंपिक पदक जिताने का सपना पूरा करना है, तो विनेश को संन्यास का फैसला वापस लेकर अगले ओलंपिक की तैयारी में जुटना होगा। परिजनों का प्रयास रहेगा कि पैतृक गांव आने पर विनेश को इसके लिए राजी किया जाए। ऐसे में परिजन विनेश को मनाने के लिए सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।